गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं झारखंड के कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में। तो अब जो हम फिगर यहाँ पे कवर कर चुके हैं वो है बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये सारे के बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे और अब जो हम डिस्कस करेंगे तो दो तीन फिगर को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से एक पहला फिगर जो मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है वो है भागीरथ मांझी। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। भागीरथ मांझी, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बाबाजी, इनको बाबाजी भी कहा जाता था। ये कहाँ जन्म लिए? तो तिलडिया विलेज में लिए हैं। तिलडिया एक गांव है जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो खारवार ट्राइब। ओके, खारवार ट्राइब जो है आपका एक सब ट्राइब है। ये सब ट्राइब है किसका? तो संथाल ट्राइब का। ओके, इन्होंने खारवार आंदोलन का भी ना नेतृत्व किया था 1874 में। तो ही लेड खारवार रिवोल्ट इन 1874 एंड ही डाइड इन 1879। 1879 में इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट फिगर है बुद्धू भगत। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। बॉर्न इन सिलगई विलेज ऑफ चानू ब्लॉक। चानू ब्लॉक सिलगई विलेज में, चानू ब्लॉक के अंदर आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 में। ये ओराव ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अंग्रेज़ों के साथ जब ये लड़ाई कर रहे थे तो उस दरमियान इनका क्या हुआ कि ये जो लड़ाई कर रहे थे तो उसमें जो ये टेक्निक जो अप्लाई किए थे या जो पद्धति इन्होंने अपनाया था, उस टेक्निक का नाम था गुरिला वारफेयर। और लड़ाई किए थे ये तीर धनुष से के मदद से। अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ़ एक प्राइज मनी का अनाउंसमेंट रखा था ताकि इनको जो पकड़वाए उनको 1000 रुपया का है ना इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद बुद्धू भगत जो थे इनको 14 फरवरी 1832 में इनको मैंने मृत्यु हो गई थी इनकी, इनको मार दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट फिगर हम देख रहे हैं जत्रा भगत। तो जत्रा भगत, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 में, 2 अक्टूबर 1888। कहाँ पे? तो चिंगरी विलेज में जो कि गुमला में पड़ता है। ये भी ओराव ट्राइब से ही थे। इनकी माता का नाम था लिबरी भगत, पिता का नाम कोहरा भगत और बीबी का नाम बुदनी भगत। इन्होंने ताना भगत आंदोलन यानी कि रिवॉल्ट का शुरुआत किया था 1914 में। उसके बाद ये जो रिवॉल्ट है, ये रिवॉल्ट मेनली इंस्पायर्ड था गांधीयन प्रिंसिपल से यानी कि गांधीयन थॉट से, जिसको आप सिद्धांत बोलते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1916 में एट एन एज ऑफ 28। तो आप देखें कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी 25 साल की उम्र में। दूसरा ये फिगर जो हम देख रहे हैं जत्रा भगत, ये भी बहुत अर्ली एज में एक्सपायर कर गए थे, दैट इज 28 में। अच्छा, इनके लिए मतलब इनके जत्रा भगत के लिए क्या किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि एक एक्ट पारित किया है। कब? तो 1948 में। इसका एक्ट का नाम क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ ताना भगत रैयत्स, है ना, जो कि रैयत ऑफ सर्टन एग्रीकल्चरल लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट रांची, जो कि 1948 में पास हुआ। तो ये इस वीडियो में हम तीन फिगर को डिस्कस कर चुके हैं। आगे और भी फिगर को हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।